नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, बेगमगंज से, जहां पर 20,000 अपने समर्थकों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने फरम भरी को बताते चले कि वर्तमान में होने वाले चुनाव को लेकर अपने समर्थकों के साथ भाजपा कार्यकर्ता ठाकुर रामपाल सिंह ने बेगमगंज के जगदीश मंदिर से होते हुए बजरिया मंदिर, शिवालय मंदिर पर पूजा अर्चना की और अपने समर्थकों के साथ पर्चा भरने के लिए निकले। और उन्होंने विकास की बातें कही और साथ ही आगे आने वाली इलेक्शन से पहले उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की। धंधे, उद्योग, ऐसी कई चीजें विकास की काम हम कर रहे हैं। क्षेत्र में हमने सड़कों का जाल बिछाया, सिंचाई योजनाएं भी हमने की है। प्रधानमंत्री आवास में आवास योजना का लाभ, उजला, ऐसे कई योजनाओं का लाभ हमने दिया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और बहुत बड़ा काम संबल योजना बना के मध्य प्रदेश में छोटे किसान, गरीब, व्यापारी और छोटे धंधे करने वालों के बड़ा काम सरकार ने किया है। और गरीबी जैसे अभिशाप के कलंक को मिटाने का संकल्प मध्य प्रदेश सरकार ने और हमने लिया है, उनके कल्याण के लिए, कृषि की आय बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए उन्हें ट्रेनिंग प्रशिक्षण दे के रोजगार स्थापित करें, दूसरों को रोजगार देने वाले बने। इन सब योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में नया हमने जो तैयारी की है क्षेत्र के विकास की, क्षेत्र विकास में कहीं पीछे न रहें, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं मिले और पढ़ाई की भी सुविधा गांव गांव में हो, ये सब लक्ष्य बना के हमने अभी तैयारी की है। और हर गांव की समस्या हमारे पास है, हर ग्राम पंचायत का अलग मांग पत्र है, उनकी प्राथमिकता है, भवन की अलग है, सड़क की अलग है, कहीं स्टाफ डैम की जरूरत है, कहीं पेयजल की है। लगभग 80 गांव की पेयजल योजना भी स्वीकृत हमने 6 महीने पहले की है। और भी गांव में पेयजल, साफ पानी पीने को मिले, उसकी भी हमने योजना बनाई है, सिंचाई की योजना बनाई है, अगला लक्ष्य बना के हमने काम किया है और उसमें हम आने वाले समय पर काम करेंगे।